देखिए, जो भी अनुशासनहीनता करेगा, गुंडही करेगा, नंबर दो के काम करेगा, कब्जा करेंगे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते। देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो हमने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से, कोई भी अनुशासनहीनता न फैलाए, और जो अनुशासनहीनता करेंगे, गुंडई करेंगे, गलत आचरण करेंगे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। वो सब ठीक है, सब ठीक है, और नेताजी ने कल क्या है ही दिया, कोई विवाद नहीं है, परिवार में कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब एक है, सब एक है। वो हमने नेताजी पर छोड़ दिया, नेताजी जो भी कहेंगे हम वो करेंगे, हम नेताजी के साथ पूरी तरह से। वो सब नेताजी पर छोड़ दिया है, नेताजी जो निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे। तो शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। तो फिलहाल बहुत ज्यादा बातें उन्होंने नहीं कही, लेकिन पवन पांडे को लेकर जरूर कहा कि अनुशासनहीनता के चलते उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जा रहा है, और मुख्यमंत्री से भी उनकी बर्खास्तगी को लेकर पत्र लिख दिया गया है। जब उनके मंत्रिमंडल में वापसी को लेकर सवाल पूछा या जो बाकी बर्खास्त नेता है उनकी वापसी को लेकर सवाल पूछा, तो शिवपाल यादव ने कहा कि सारे निर्णय नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव को लेने हैं, और वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो सर्वमान्य होगा। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि चाहे बात पार्टी की हो या फिर परिवार की हो, कहीं कोई टकराव नहीं है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये हम भी जान रहे हैं और वो भी जान रहे हैं कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि कहां कहां दरारें मन में बैठ चुकी हैं और कहां कहां से रास्ते अलग होने की सूरत फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी सब एक हैं ये कहा गया है। तो पवन पांडे फिलहाल पार्टी से निकाले गए हैं, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता आलोक भी बता रहे थे कि ये एक तरह से पवन पांडे के लिए प्रमाण पत्र है अखिलेश यादव का समर्थक होने का, तो ऐसे में उन्हें अखिलेश यादव के खेमे में जाने का फायदा जरूर मिलेगा। तो पवन पांडे जिन्होंने आशु मलिक को थप्पड़ जड़ा था उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है, शिवपाल यादव का कहना है कि अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई हुई है, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, और जो भी अनुशासनहीनता करता नजर आएगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। और साथ में शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया है कि अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त न किया जाए, पार्टी के अनुशासन को बनाकर रखा जाए। तो कार्रवाई हुई है पवन पांडे पर जिन्हें पार्टी से बर्खास्त किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने, और 6 साल के लिए पवन पांडे को पार्टी से निकाल दिया गया है, और मंत्रिमंडल से उनकी बर्खास्तगी को लेकर यहां अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री को भी शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी है। तो फिलहाल बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है, लेकिन वापसी का क्या होगा? हो गया सर, एक मिनट सर, लाइव नहीं हो रहा सर, प्लीज। कौन भाई? ओके सर, एक सेकंड सर, कैमरा तो रोल है सर, एक मिनट लाइव के लिए सर। हेलो, हाँ ये लाइव मिल रहा है आपको लखनऊ से शिप्पा सर? हेलो, हाँ वो भी सर, फटाफट बोलो जी सर। आशीष, आशीष आप मेरे फोन पे रहो, लाइन पर रहो, दूसरे फोन पे फोन करो, आप दूसरे फोन से फोन करो। देखिए, श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज मंत्री को आशु मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण
समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। अच्छा, दूसरा दिनांक, आज दिनांक 24 अक्टूबर 2006 को श्री, हम पत्र लिख रहे मुख्यमंत्री जी को, एक पत्र लिख रहे, तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री द्वारा सदस्य विधान परिषद श्री आशु मलिक के साथ मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग लखनऊ से धक्का मुक्की और उनकी पिटाई करने जैसे गंभीर दुराचरण और अनुशासनहीन आचरण के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री को हमने ये पत्र लिखा है, तो आप लोगों के माध्यम से ये मीडिया में चला दीजिए। मंत्रिमंडल से, मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, और हाँ, समाजवादी पार्टी से उनको 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया। देखिए, जो भी अनुशासनहीनता करेगा, गुंडही करेगा, नंबर 2 के काम करेगा, कब्जा करेंगे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते। देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो हमने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से, कोई भी अनुशासनहीनता न फैलाए, और जो अनुशासनहीनता करेंगे, गुंडई करेंगे, गलत आचरण करेंगे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। वो सब ठीक है, और नेताजी ने कल कह ही दिया, कोई विवाद नहीं है, परिवार में कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब एक हैं। वो हमने नेताजी पर छोड़ दिया, नेताजी जो भी कहेंगे हम वो करेंगे, हम नेताजी के साथ पूरी तरह से। वो सब नेताजी पर छोड़ दिया है, नेताजी जो निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे। तो शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हुई है पवन पांडे के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की थी, आशु मलिक के साथ हाथापाई की थी, और आगे भी इस तरह की अगर कोई हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आलोक पांडे हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो आलोक, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शिवपाल यादव की, एक तो बड़ी कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में जानकारी दी, यानी कि बर्खास्तगी के बारे में जानकारी दी, लेकिन जो बर्खास्त हो चुके हैं उनकी वापसी, खुद की वापसी के बारे में अभी वो भी कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, वो तो कल नेताजी साफ कर चुके हैं कि सारा जो इस चीज का निर्णय है वो उन्होंने मुख्यमंत्री पे छोड़ दिया है, और एक संदेश भी दिया था कि अब 2 महीने के लिए, जब उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ तनख्वाह बांटने का काम होता है, तो कहीं ना कहीं उन बर्खास्त मंत्रियों को संकेत भी दे दिया है कि 2 महीने बचे हैं, अगर मंत्रिमंडल पद में वापसी नहीं होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 1 महीने बाद, और आप लोग अपना कोई भी बहुत कोई जो काम होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ तनख्वाह बांटने का काम होगा। ये एक संदेश भी उन्होंने दे दिया है, जिसके बाद काफी तसल्ली जो बर्खास्त मंत्री हैं उनको हो गई होगी। जहां तक बात है बर्खास्त पवन पांडे की, तो कल ही मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। बाहर मीडिया में आके उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अब जो पत्र शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखा है, अगर मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में शिवपाल यादव इस पत्र को भी बड़ा मुद्दा इसलिए बना सकते हैं कि बदमाशी, उन्होंने ये 3 वर्ड बार बार लिए जो तीनों पवन पांडे पे सूट करते हैं, गुंडई, 2 नंबर के काम और कब्जे के काम, ये तीनों उन पे सूट करते हैं, क्योंकि लगातार वो तीनों ये काम करते चले आए हैं। और अब जब जो पत्र उन्होंने लिख दिया है मुख्यमंत्री को कि इनको मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त करने का,
और अगर मुख्यमंत्री जी बर्खास्त नहीं करते, हालांकि उन्होंने कल ही इस्तीफा मांगा था पवन पांडे से, हम लोगों ने प्रमुखता से खबर भी चलाई थी जी। और अगर वो बर्खास्त नहीं करते तो निश्चित सी बात है कि पवन पांडे एक और नई फांस बन जाएंगे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, यानी कि एक नई फांस और नया मुद्दा बन जाएंगे, जिसको लेकर शिवपाल यादव को मौका मिल जाएगा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरने का कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई करने में भी अपने और परायों को यानी कि अपने खेमे वाले और सामने वाले के खेमे वाले के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल आलोक, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल यादव ने जो बात कही कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, परिवार में सब कुछ ठीक है, मुलायम सिंह यादव भी कल आए तो उम्मीद थी कि कुछ नया कहेंगे, उन्होंने भी यही कही, अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो क्या उनके तेवर भी, उनका रुख भी इतना ही शांत रहेगा या कुछ और उम्मीद सीएम से हम करें? देखिए, अभी वक्त का जो तकाजा वो तो यही कहता है कि अगर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपने चुनावी रथ की बात करेंगे, और हो सकता है कि उनके बिहाफ पे राजेंद्र चौधरी भी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ इसी चीज की बात करेंगे अगर मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आके कोई भी बात नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मुख्यमंत्री का मीडिया से कोई सीधा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा हुआ है तो, और इसलिए काफी सवाल होंगे मीडिया के पास मुख्यमंत्री को पूछने के लिए, कितना अभी वो तैयार है कि क्या जवाब वो देंगे, ये सारी चीजें तो उनपे है। लेकिन अगर वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो निश्चित सी बात है उन पर सवालों की बौछार भी होगी, और इन सारी चीजों की अगर वो सिर्फ एक रथ यात्रा की जानकारी जहां तक देने की बात है तो मुख्यमंत्री के बिहार पे राजेंद्र चौधरी या कोई भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। प्रीति, यानी कि आलोक एक बार फिर मीडिया का सामना नहीं करना चाहते हैं सीएम, और खासतौर पर जो वीडियो सामने आया था जिसमें लगभग रो ही गए थे अखिलेश यादव, तो उसके बाद वो समझ रहे हैं कि सवाल बहुत सारे मीडिया के पास, तो उनकी बौछार से बचने के लिए हो सकता है आधिकारिक तौर पर पक्ष रखने के लिए राजेंद्र चौधरी सामने आ जाएं। तो ये बताएं आलोक, क्योंकि हमने जैसा बार बार कह रहे हैं, अब जो भी कार्यक्रम यहाँ शिवपाल यादव बतौर प्रदेश अध्यक्ष करेंगे या अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री करेंगे, दरअसल दोनों का शक्ति प्रदर्शन होगा, तो ऐसे में रथ यात्रा को लेकर जिम्मेदारियां जो सौंपी जाएंगी वो सब बातें क्या आज की इस बैठक में तय हो जाएंगी? देखिए आपको प्रीति बता दें, यहाँ पे दोनों सूरतों में समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोनों अपनी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक रजत जयंती की बात है तो पूरी ताकत से शिवपाल यादव एंड टीम भी लगेगी, और जहाँ तक बात है रथ यात्रा की या जो चुनावी रथ यात्रा की, उसमें अखिलेश एंड टीम जो है वो भी लगेगी, और वो कहीं ना कहीं किसी से कम ना पड़े इसका पूरा ध्यान रखते हुए वो उसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर पार्टी को बहुमत आने वाले समय में मिलता है तो उसका क्रेडिट जो है दोनों लोग, दोनों जो खेमे हैं वो अलग अलग तरीके से उठा सके, अगर चुनाव तक दोनों एक नहीं हो पाते हैं इस तो जी बिल्कुल। और आलोक, यहाँ पर ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उस वक्त आप समर्थकों से बात कर रहे थे तो हम बहुत ज्यादा सुन नहीं पाए, शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, तो समर्थक क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है पार्टी का, या उन्हें क्या करना है, वो किस बात का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए आपको बता दें प्रीति कि समर्थकों का जो झुकाव है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव की तरफ हो चुका है, क्योंकि पार्टी कार्यालय पे भी जब कल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव नेताजी जब गए थे उसके बाद आपने देखा कि बड़ा सीन क्रिएट हुआ वहां पे, और अखिलेश के जो समर्थक हैं वो एकदम से सड़कों पर उतर आए, उन्होंने सड़क जाम कर ली और नारेबाजी की, जिसके कारण कई घंटों तक वो हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। और उसके बाद अभी भी अगर आप देखते हैं, जब हम लोग पांच कालिदास जो कि मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर आते हैं तो 24/7 जो समर्थक है वो यहाँ पे रहते हैं। अखिलेश यादव जैसे जब चले जाते हैं यहाँ से तब वो लोग अपने अपने घर को जाते हैं, और अखिलेश यादव के वापस इसमें, चूंकि वो उनका घर यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, वो रात में अपने घर चले जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और जब सुबह यहाँ पर आते हैं तब पूरी तरीके से जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पे बना रहता है जी। और एक जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश समर्थक पूरी तरीके से कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और उसमें कहीं काफी हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। तो जहां तक समर्थकों की बात है, समर्थकों का ये कहना है कि चेहरा जो है वो अखिलेश यादव को बना देना चाहिए समाजवादी पार्टी का,
और उन्हीं के ही चेहरे पर जो चुनाव है 2017 वो लड़ा जाना जी, चाहिए। जी चलिए बिल्कुल। और इस वक्त हम संकेत का रुख करेंगे जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संकेत, शिवपाल यादव यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, चाहे पार्टी की बात हो या परिवार की बात हो, फिलहाल इस बयान के बीच में क्या कुछ हलचल यहाँ पर है? देखिए, शिवपाल यादव ने बड़ी ही आसानी से और बहुत होशियारी से उन्होंने यह बात कही कि जो विवादित बातें थी उनमें सिर्फ उन्होंने यही कहा, सब नेताजी के ऊपर डाला कि मुलायम सिंह जी ये फैसला करेंगे वही मान्य होगा, चाहे वो शिवपाल की मंत्रिमंडल में वापसी हो या फिर निष्कासित नेता, जिनको कि शिवपाल यादव ने स्पष्ट नहीं किया था, यूथ ब्रिगेड के जिन नेताओं को शिवपाल यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था उनको शिवपाल यादव ने स्पष्ट नहीं किया था कितने साल के लिए इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जैसा कि आज पवन पांडे को 6 साल के लिए स्पष्ट शिवपाल यादव ने बोला है कि 6 साल के पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन इन नेताओं के लिए उन्होंने 6 साल कोई टाइमिंग नहीं दी थी। तो जब सवाल हुआ कि क्या इन लोगों को की वापसी संभव है, क्योंकि वो अखिलेश के बहुत करीबी माने जाते हैं, जितने भी उसमें 3 MLC हैं और अन्य यूथ संगठनों के नेता हैं, तो शिवपाल यादव ने बड़ी होशियारी से कहा कि ये तो नेताजी निर्णय लेंगे और जो नेताजी निर्णय लेंगे वही मान्य होगा, और खुद के मंत्रिमंडल में वापसी की बात को भी नेताजी के ऊपर डाल दिया और कहा सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पे शिवपाल यादव ने अचानक आज प्रेस वार्ता बुलाई और पवन पांडे को निष्कासित किया, हालांकि उन्होंने पवन पांडे के ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने ही पार्टी के MLC आसू मलिक के साथ हाथापाई की थी और वो 5KD पे, हालांकि MLC आसू मलिक ने कई बार जो 5KD की बात आई उन्होंने तहरीर भी दी है हजरतगंज कोतवाली में, जो कल SSP को भी भेजी है, उसमें उन्होंने घटना स्थल 5KD का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया था, लेकिन शिवपाल यादव ने अपने पत्र में साफ साफ लिख दिया है कि 5KD के अंदर जो घटनाक्रम पूरा हुआ वहीं पे मारपीट हुई, अभद्रता हुई। ऐसे में इसके कहीं ना कहीं 5KD के अंदर ये सब पूरा घटनाक्रम होने से मुख्यमंत्री की अपनी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से 5KD के अंदर ऐसा घटनाक्रम हो गया और मुख्यमंत्री समेत अन्य जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसी पार्टी के MLC को पीटा गया। इस वजह से पवन पांडे को जरूर उन्होंने निष्कासित किया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पवन पांडे को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया जाए। अब गेंद मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिए, देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री किस तरह का एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि आशु मलिक ने जगह का नाम नहीं मेंशन किया था, जगह का यहाँ पर विवरण नहीं दिया था, लेकिन शिवपाल यादव ने साफ लिखा है 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री संबंधित वो जगह जहाँ पर मारपीट हुई है आशु मलिक के साथ, और उसकी बाद जो कार्रवाई हुई है पवन पांडे को बर्खास्त किया 6 साल के लिए पार्टी से और अब उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है शिवपाल यादव ने। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आलोक आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कार्रवाइयां हो रही है एक ओर से, तो क्या अभी जैसे कि कार्रवाई का जवाब कार्रवाई, बैठक का जवाब बैठक, इस वक्त ये दौर चल रहा है समाजवादी पार्टी में, तो मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ ऐसे ही कदम और उठाए जा सकते हैं आज? देखिए, अभी मुख्यमंत्री के पास ऐसा कुछ भी कदम उठाने को नहीं है, क्योंकि जो कार्रवाई है पार्टी स्तर पे वो शिवपाल यादव ही कर सकते हैं और उन्होंने वो कार्रवाई कर लिया है। ये है कि कोई और मंत्री को अगर मुख्यमंत्री बर्खास्त करना चाहेंगे जो कि संपर्क में है तो उन पे भले कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पार्टी स्तर की जो कार्रवाई है, जो पार्टी स्तर की बैठिंग है, वो लगातार अभी शिवपाल यादव ही कर रहे हैं और विकेट जो है वो गिराते चले जा रहे हैं, और जो पवन पांडे का विकेट है वो अभी लेटेस्ट जो विकेट उन्होंने गिराया है, और निश्चित सी बात है कि पवन पांडे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये जो चिट्ठी है ये चिट्ठी भी आगे चल के बॉम्ब बन जाएगी और इस पे भी बड़ी राजनीति पार्टी में होने लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहना है कि जो लोग अनुशासित नहीं रहते हैं उनको पार्टी से निष्कासित उनको बर्खास्त किया जाता है, जो उनकी बात नहीं मानते उनको निष्कासित हटाया जाता है। तो अगर पवन पांडे को नहीं हटाया गया तो कहीं ना कहीं एक मौन सहमति मुख्यमंत्री की मानी जाएगी आशु मलिक के साथ अभद्रता उनकी पिटाई के मामले में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्योंकि पार्टी स्तर पर जो कार्रवाई होगी, जिनको पार्टी से निकालना होगा वो शिवपाल यादव करेंगे और मंत्रिमंडल से हटाना होगा मुख्यमंत्री करेंगे, तो यहाँ पर आलोक क्योंकि खुद शिवपाल यादव उस कार्रवाई का शिकार हुए हैं, मुख्यमंत्री की कार्रवाई का शिकार हुए हैं, शिवपाल कहते हैं कि मुलायम सिंह तय करेंगे कि मैं मंत्रिमंडल में वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, मुलायम सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि उन्हें किसी मंत्रिमंडल में रखना है या बाहर करना है, यानी कि अभी वापसी को लेकर बातचीत नहीं हो रही है, या ये कहें कि अभी वापसी बहुत जल्द किसी की नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, वापसी की जहां तक बात है तो अभी तक तो कोई ऐसी सूरत नहीं बनी, ना ही कोई ऐसे संदेश मिले हैं, क्योंकि
संदेश उसी समय मिल सकते हैं जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी राजभवन भेजेंगे, क्योंकि अभी बर्खास्त मंत्री हो चुके हैं, अब इनकी फिर से एक बार शपथ ग्रहण होना होगा, तो संकेत देने के लिए मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी राजभवन भेजनी पड़ेगी कि जिसमें मंत्रियों को शपथ की बात कही जाएगी, उसी के बाद ही कुछ इस तरीके की जो संभावना है वो बनती है, जो कि अभी दूर दूर तक बनती नहीं नजर आ रही है। और शिवपाल यादव लगातार पूरी तरीके से रजत जयंती समारोह में बिजी हैं और अखिलेश यादव पूरी तरीके से रथ यात्रा निकालने में इस समय बिजी हैं और उसकी मीटिंग कर रहे हैं, जहां शिवपाल यादव रजत जयंती की मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, संकेत का हम रुख करना चाहेंगे। तो संकेत, अब आपके पीछे हालांकि थोड़ा सा शांत माहौल दिख रहा है, कुछ समर्थक आ रहे हैं, शायद कुछ जा रहे हैं, तो अब क्या कुछ यहाँ पर हलचल रहेगी दिन भर? देखिए, जिस तरह से पिछले दो महीने से लगातार समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह ने विवादों को थामने की कोशिश की, समझौते की कोशिश की, उसके तुरंत बाद कोई ना कोई ऐसा एक्शन, चाहे वो शिवपाल यादव की तरफ से हो या अखिलेश यादव की तरफ से हो, वो एक्शन हो जाता रहा और कार्यकर्ता वहीं से उनके अंदर ये उत्सुकता होती रही कि पार्टी में आखिर ऐसा क्या होगा। यही वो वजह है कि कार्यकर्ता लखनऊ नहीं छोड़ रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में होना चाहिए था, चुनाव नजदीक है, वो कार्यकर्ता आज सपा कार्यालय मुलायम सिंह के आवास के बाहर, 5KD शिवपाल के आवास के बाहर जमे हुए हैं। यही वो वजह है, सिर्फ एक वजह है कि कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी में समझौते के बाद ऐसा जरूर होता है जिससे सवाल उठने लगते हैं समाजवादी, और चुनाव नजदीक है, कार्यकर्ताओं की सबसे पहली नजर जो है वो अपने नेतृत्व पर है, और जब नेतृत्व ही आपस में लड़ रहा है, ऐसे में कार्यकर्ता भी काफी असमंजस की स्थिति में है और परेशान है। जी बिल्कुल, आलोक, जो घटनाक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, आलोक जी, तो इन सबसे इधर अगर हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि राम गोपाल को लेकर हर कोई तल्ख टिप्पणी कर रहा है? अमर सिंह ने काफी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो नहीं रिपीट किए जा सकते हैं, तो मुलायम सिंह ने कल कहा कि वो क्या बोलते हैं उनकी बात का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि राम गोपाल अलग रह जाएं और बाकी सब एक हो जाएं? देखिए बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव जिस तरीके से कहते हैं कि जो मेरे पिता के साथ मिसबिहेव करेगा, या जिस तरीके के शब्द राम गोपाल ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के लिए लिए हैं, उससे जो उनका निष्कासन हुआ है, पहले भी जो निष्कासन अखिलेश समर्थकों का हुआ तो उसमें भी यही आरोप लगाया गया था कि इन्होंने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के लिए उनकी शान में गुस्ताखियां की थी। और अब राम गोपाल यादव ने तो खुल्लम खुल्ला बाकायदा मीडिया के सामने आके उन्होंने नेताजी पे कई ऐसे चीजें बोली हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, और इन सारी चीजों को लेके जो बड़ा गुस्सा है राम गोपाल के लिए, वो पूरी समाजवादी पार्टी में एक तरीके से बन चुका है। और लेकिन आने वाले समय में राजनीति है, राजनीति में कई चीजें इन कई चीजें आउट होती रहती हैं, और आने वाले समय में कब किस मोहरे और प्यादे को कहाँ यूज किया जाए और किस तरीके से रिप्लेस किया जाए, इसका कोई इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनती है जिससे राम गोपाल यादव वापस अंदर आ सकते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती है जिससे राम गोपाल यादव कभी भी नहीं अंदर आ सकते, ये सारी चीजें समय पे छोड़ा जा सकता है अभी प्रीति। लेकिन अभी जो जो नाराजगी जिस तरीके की कल मुलायम सिंह यादव की थी, उससे साफ लगता है कि राम गोपाल पे किसी भी तरीके की मेहरबानी संभव नहीं है। बिल्कुल आलोक, और वैसे भी संभावनाओं का कह सकते कि अंत नहीं है सियासत में। अमर सिंह जब पार्टी से निकाले गए थे, जिस तरह की बयानबाजी थी, लगता था असंभव है कि वो फिर से नेताजी के साथ नजर आएंगे, लेकिन आज देखिए अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि जो फसाद है, जो ये यहाँ पर टकराव है, उसकी जड़ अमर सिंह है, लेकिन वो लाटले बने हुए हैं, अपना भाई बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को। चलिए हम संकेत का हम रुख करेंगे, तो संकेत, क्योंकि जो समर्थक यहाँ पर जुटे हैं वो शिवपाल यादव के समर्थक हैं, क्या ये समर्थक अखिलेश यादव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या ये समर्थक भी चाहते हैं कि पार्टी एक बार फिर से एक हो जाए? देखिए, जो आम कार्यकर्ता है, जिसको जो कि खेमेबाजी में नहीं है समाजवादी पार्टी की, जो सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ता है, वो बस यही चाह रहा है कि जल्द सारी चीजें सही हो, सब कुछ पटरी पे आए और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो खेमेबाजी में, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी के बड़े नेता हो, जो खेमेबाजी में जुटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर एक दूसरे का विरोध करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो शिवपाल के समर्थक हो या फिर अखिलेश यादव के समर्थक हो।
अभी समाजवादी पार्टी में काफी कुछ क्षमता भी दिख नहीं रहा है। जिस तरह से कल उम्मीद जताई जा रही थी कि मुलायम सिंह के फैसले के बाद काफी कुछ सही हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, लेकिन अचानक पवन पांडे को पार्टी से निष्कासित करना और उसके बाद मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल देना कि इनकी बर्खास्तगी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, इन्होंने पूरी तरह से अनुशासनहीनता की है। और यह वाकई उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री आवास, जो कि बहुत सुरक्षित माना जाता है, वहां पे सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी के साथ मारपीट हुई। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब देखने वाली बात होगी पुलिस किस गंभीरता से यह जांच करती है, कितनी गंभीरता से जांच करती है, क्योंकि घटना स्थल 5KD है, मुख्यमंत्री आवास है। जी जी आलोक, 11 बजे का वक्त रखा है मीटिंग का, थोड़ा जानना चाहेंगे इस वक्त कुछ हलचल बढ़ती हुई सी नजर आ रही, कौन कौन लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के आने में भी कितना वक्त और है? देखिए मुख्यमंत्री प्रीति जी आ चुकी हैं, बहुत पहले ही आ चुके हैं। करीब जब हम लोग मुख्यमंत्री के 10 बजे यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे कई लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों से मिलना भी शुरू कर दिया है और थोड़ी देर में अंदर जो मीटिंग बुलाई गई वो शुरू भी हो जाएगी। जी तो बिल्कुल, तो यहाँ पर अब मीटिंग बस 11 बजे का वक्त था तो लगभग 10 मिनट बचे हुए हैं, उससे पहले मुलाकातों का दौर यहाँ पर चल रहा है। और जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय से संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ आलोक पांडे भी जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि अब मीटिंग बस सबसे थोड़ी देर में शुरू होगी।